नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबर लखनऊ से। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले पर सीएम योगी सख्त हुए। कागजों में पुष्टाहार मंगाकर बाल विकास पुष्टाहार में बड़ा घोटाला। विभागीय अधिकारी और दागी कंपनियों का बाल विकास पुष्टाहार में बड़ा खेल। पुष्टाहार घोटाले में 10 अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश। बाल विकास पुष्टाहार के तत्कालीन निदेशक समेत 10 अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश। तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियुक्ति। विभाग भेजी गई फाइल। वहीं 9 अफसरों कर्मचारियों की जांच राज्य कुपोषण मिशन के निदेशक को सौंपी गई है। बंद योजना में 3 महीने का पुष्टाहार मंगाकर सरकार को 18,75,00,000 का चूना लगाए गए। 31 मार्च 2018 को बंद हो गई थी राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। बंद होने के बाद तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार ने 2018 में मंगा लिया था मई जून जुलाई का पुष्टाहार। 3 महीने के पुष्टाहार के नाम पर लगभग 19 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ। दागी कंपनियां विभाग को पुष्टाहार सप्लाई का काम कर रही है। पिछली सपा सरकार के दौर से पुष्टाहार के ठेके में माफिया सक्रिय है। सीएम योगी के दखल के बाद बाल विकास के भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। सीएम के निर्देश पर जारी जांच में अफसरों और दागी कंपनियों के सिंडिकेट का खुलासा। हाल ही में बाल विकास पुष्टाहार प्रमुख सचिव ने तलब की थी विभागीय फाइलें। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, आधार किट, खराब गुणवत्ता वाले पोषाहार की खरीद और कार्मिक घोटाले की फाइलों की जांच नवनियुक्त प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना ने तलब की थी। फाइलें और रिपोर्ट्स आने के बाद बाल विकास पुष्टाहार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। कई जनप्रतिनिधियों ने भी सीएम योगी से शिकायत की थी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ही सीएम योगी ने तत्कालीन मंत्री अनुपमा जायसवाल को हटाया। वर्तमान में बाल विकास पुष्टाहार विभाग मंत्री स्वाति सिंह के पास है। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले पर सीएम योगी हुए हैं सख्त। कागजों में पुष्टाहार मंगाकर बाल विकास पुष्टाहार में यह बड़ा घोटाला किया गया। योजना के बंद होने के बावजूद भी 3 महीने का सामान खरीदा गया जिसमें लगभग 18,75,00,000 का नुकसान चूना लगाया गया। विभाग को नुकसान हुआ। क्रिस्टी फ्राइडग्राम इंडस्ट्री कौन कौन सी कंपनी से सप्लाई कर रही थी? इनमें एक है ग्रेट वैल्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी हेल्थ एनर्जी केयर एनर्जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन कौन सी कंपनियां सप्लाई कर रही है? इसमें त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। पीबीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। लालजी एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल है। सुरुचि फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जो ये सप्लाई कर रही थी। कॉन्टिनेंटल मिल्कोज, देवेश फूड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ गए हमारे साथ में। आलोक, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे घोटाले किए जा रहे हैं और खुद विभागीय लोग ही जुटे होते हैं जो अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में सरकार को चूना लगाते हैं, सरकारी बजट को हिलाकर रख देते हैं। और पुष्टाहार में हुआ घोटाला भी कुछ ऐसा ही घोटाला। आलोक, तब तक ये घोटाले संभव नहीं हो सकते हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा सिंडिकेट है, एक बड़े संगठित तरीके से पूरा काम बाल विकास एंड पुष्टाहार विभाग में हो रहा था। क्योंकि बाल विकास पुष्टाहार में जो है बजट बहुत बड़े लेवल पर आता है, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और पूरे प्रदेश में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जिनके परिवार में जिनके माँ बाप के पास साधन संसाधन नहीं है कि वो उनके लिए अच्छा खाना अच्छा पोषण दे सके, उनके लिए सरकार की एक अच्छी योजना थी उनको पुष्टाहार देने की। लेकिन उस योजना को किस तरह से भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार का खेल करके उसको योजना को खराब कर दिया, उस योजना से कितनी हेराफेरी की गई, लगातार उसमें घोटाले किए गए, एक बड़ा सवाल रहा है। और लगातार देखा जाए तो कई ऐसी कंपनियां रही जो लगातार काम कर रही थी और जब भी उन कंपनियों पर सवाल उठता या उनका नाम उजागर होता तो वो कंपनियां अपना नाम बदल लेती, कागजों पर दूसरी नाम से वो आ जाती थी और फिर वो उसी काम में संलिप्त हो जाती थी। क्योंकि जो सिस्टम था वो सिस्टम मिला हुआ था, जो सप्लायर थे और जो अधिकारी थे उनका संरक्षण था, तमाम नेताओं का संरक्षण था। हमें याद है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट की सहयोगी अनुपमा जायसवाल को इसी सब मामलों को लेकर विभाग से हटा दिया था, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया था, लगातार कार्रवाई की थी और बाल विकास में लगातार घोटालों का एक बड़ा सिलसिला रहा है। अगर हम बात करें पुष्टाहार की तो वो एक बड़ा घोटाला, लगातार सप्लाई में घोटाला होता रहा है, बिस्किट का, दलिया का, पंजीरी या फिर जो बच्चों के लिए लड्डू आते हैं जो उनको खिलाने के लिए, उनको बांटने के लिए, या फिर प्रमोशन का, भर्ती का, तमाम एक घोटालों की लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुष्टाहार बच्चों के लिए आता था, बच्चों को बांटा जाए या महिलाओं को बांटा जाए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं प्रदेश की, वो बाजारों में बिकता था, गांवों में बिकता था और उनको जानवरों को खिलाते थे लोग खरीद कर। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल बनाया गया लगातार इस तरह के घोटाले करके, लगातार सेटिंग करके कि जो है पूरे विभाग को जो है लूटा गया, क्योंकि बहुत बड़ा बजट था। और अभी हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो एक तो बानगी भर है 18 करोड़ 75 लाख का, वो भी जो आरके सिंह तत्कालीन निदेशक आलोक अवनीश भी जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। आलोक जरा एक बार बात पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि जो जिस घोटाले की बात कर रहे हैं हम लोग पूजा, वो एक बानगी भर है, क्योंकि 18 करोड़ 75 लाख का ये जो घोटाला किया गया है जो तत्कालीन निदेशक थे राजेंद्र सिंह उनकी तरफ से, और ये भी समझने वाली बात है कि एक बड़ा अधिकारी जो विभाग का मुखिया है उसने मिलीभगत करके एक ऐसी योजना जो 31 मार्च 2018 को सरकार ने बंद कर दी थी, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना जिसमें बालिकाओं को पुष्टाहार दिया जाता था, उस बंद हो गई योजना के नाम पर जो है 3 महीने का जो है पुष्टाहार मंगा लिया, कागजों में मंगा कर कागजों में पूरा बांट दिया और लगभग 18 करोड़ 75 लाख का सरकार को जो है चूना लगा दिया गया, राजस्व का नुकसान किया गया। तो इसमें सरकार ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, जिसके बाद आरके सिंह की फाइल नियुक्ति विभाग में भेजी गई है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो 9 अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए राज्य पोषण मिशन के जो निदेशक हैं उनको जो है ये जांच सौंपी गई है, जिनकी जांच करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही, संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं सिस्टम में जो बच्चों के लिए चलाए जाने वाली एक अच्छी योजना को लूटने में लगातार लगे हुए हैं। ठीक है आलोक, मैं आपके पास वापस लौट रही। अवनीश, अब खुलासा हो चुका है, जांच प्रक्रिया भी लगातार जारी है, ऐसे में अभी और क्या कुछ खास स्टेटस है, अंदरूनी तौर पर क्या कुछ जानकारियां हैं अभी फिलहाल आपके पास? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जो पूरा मामला रहा उस मामले में नई प्रमुख सचिव नियुक्त मीना कुमारी मीना, उन्होंने जब चार्ज लिया है तब विभाग के तमाम सारे मामलों को एकदम उन्होंने फाइल तलब की, अधिकारी ने पहले हिला हवाले किए कि जब उनको सख्ती की मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश का हवाला दिया, जिसके बाद फाइलें उनके सामने आई हैं। जब फाइलें उनके सामने आई हैं तो करीब दर्जन भर ऐसे घोटालों की फहरिस्त सामने उनके आई है, उसमें से ये एक घोटाला था जिसकी बात हम सामने ला रहे हैं, एक एक करके हम न्यूज और मीडिया के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे विभाग के अंदर और घोटाले की जो परतें हैं वो दिखाई पड़ती है, कैसे 600 करोड़ रुपया जो है वो स्पेशल किट जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाना था उसके लिए उस पैसे में धूप मचाई गई, केवल 20 जिलों में जो है वितरण किया गया, ऐसे बहुत सारे घोटाले सिलसिलेवार तरीके से हैं। इस मामले में भी जो लापरवाही हुई वो बहुत साफ तरीके से आलोक बता रहे थे कि एक योजना जो बंद कर दी गई है उस योजना के मत में 3 महीने का पुष्टाहार खरीद लेना, अतिरिक्त उम्मीद आ गई कंपनियों से जिनका पूरा सिंडिकेट चलता, वो बताता था कि तमाम उस स्तर के जो अधिकारी थे वो भी उस सिंडिकेट में कहीं ना कहीं शामिल थे। इस पूरे प्रकरण में भी जब जांच का दौर चल रहा था और जो भी इस विभाग में डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर या जिनों के स्तर पर जो अधिकारी तैनात होते हैं ज्यादातर के खिलाफ जांचें चल रही हैं, इससे पहले आनंद कुमार सिंह वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे उनके खिलाफ भी गंभीर मामले की जांच चल रही है। तो एक पूरा सिलसिला है विभाग में और शायद यही वजह है कि चाहे मायावती के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, अखिलेश यादव नेतृत्व वाली सरकार रही हो, विभाग बेहद महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करिए 2004 से अब तक 42,000 करोड़ रुपए का पुष्टाहार जो है वो इन कंपनियों के माध्यम से सरकार ले चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये नियम कानून का हवाला देते हुए इस तरह की सप्लाई चेन में सिंडिकेट का काम कर रहे हैं, ये नियमों को इस तरीके से बनवाते हैं, टेंडर्स को इस तरीके से बनवाते हैं, इतने सशक्त हैं ये माफिया खासतौर पर जो पुष्टाहार में काम करते हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो नियम कायदे भी अपने हिसाब से बनवा करके लगातार उन चेकों को अलग अलग कंपनियों के नाम से हासिल करने में कामयाब रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो दागी रही जिस पर सवाल उठाया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया, तो उन्होंने नई कंपनियां बना ली, वही डायरेक्टर्स उन्हीं एड्रेस पर नई कंपनियों में डायरेक्टर हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पूरा तंत्र था जो भ्रष्टाचार की पूरी प्रक्रिया में लिप्त था। मतलब ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इस बारे में सबको पहले से ही जानकारी मिल चुकी है जिसके बाद में आखिरकार ये जांच प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जिन कंपनियों का अवनीश अब खुलासा हो रहा है, जो कंपनियां जिनसे खरीदारी लगातार की जा रही थी क्योंकि वहीं से मुनाफा आना था और उसी मुनाफा खोरी के चक्कर में सरकार को चूना लगाया जा रहा था, उनको लेकर अभी तक क्या कुछ खास जानकारी जुटा पाए अभी प्रशासन?
देखिए, प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और ये जो मामला है उसमें कार्रवाई चल रही है। जहाँ अधिकारियों की जांच का मामला है, एक जांच पोषण जो निगम है उसके डायरेक्टर को काम दिया गया है, जो पोषण निगम है उसकी तरफ नियुक्ति विभाग में जो IAS अधिकारी डायरेक्टर थे उनकी जांच का मामला दिया गया। अब जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कुछ मामलों में पहले से FIR दर्ज है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लैकलिस्टेड भी घोषित कर दी। समग्र रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, बावजूद इसके मुख्यमंत्री साहब से, बावजूद इसके तमाम दर जनप्रतिनिधियों ने, मंत्रियों ने शिकायत की। पिछले साल एक मंत्री जो इस विभाग को देखती थी अनुपा जसपाल, उनको उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी ये जो घोटाला है उसकी कड़ी अब तक नहीं पा रही है। शायद इस मामले में और सख्ती की और नियोजित कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है आलोक, अभी क्योंकि एक सवाल ये भी है कि ये तो 3 महीनों की बात हुई, इससे पहले भी जाहिर सी बात है जिस तरह से सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा होगा। मैंने कहा कि एक लंबा सिलसिला है, एक लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंपनियां हैं जो बाल विकास पुष्टाहार में सप्लाई के काम लेने के लिए जो है ललायत रहती थी, वो लगातार इस कोशिशों में रहती थी कि किसी तरह उनको यहाँ काम मिल जाए, क्योंकि बड़ा मुनाफा था, बड़ा भ्रष्टाचार का एक विभाग बन चुका था। और समझने वाली बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि बच्चों के लिए सरकार की अच्छी योजना थी, जिसको बेहतरीन योजना कहा जा सकता है, उसको किस तरह से भ्रष्टाचार द्वारा लूट लिया गया, उस योजना को किस तरह से जो है खराब कर दिया गया ताकि उसका फायदा उनको न मिले जिनके लिए योजना बनाई गई थी, और हजारों हजारों करोड़ रुपए की एक लूट हुई है। और ये लगातार चला आ रहा है पिछली कई सरकारों से लगातार, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम हर सरकार में वही सिस्टम काम करता है, बस उसका चेहरा बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, लेकिन जो तंत्र है वही रहता है। वो इतने सशक्त हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं विभागों में, मंत्रालयों में, कि वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को बनवाते हैं, अपने हिसाब से नियमों को ढील दिलवाते हैं, अपने हिसाब से उसमें ऐसी जगहें बनवाते हैं पॉलिसीज में, रूल्स में, कि उनके लिए हर सरकार में उनके लिए जो है चीजें आसान रहती हैं, और घूम फिर कर काम उन्हीं को मिलता है जिसको वो चाहते हैं। तो एक बड़ा सिस्टम है पूजा, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है, बड़े लेवल पर काम होता है, और तंत्र में बहुत लोग मिले हुए हैं टॉप टू बॉटम। उसमें कुछ लोग जो है दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते हैं, इसीलिए सरकार जब भी कार्रवाई कर रही, मुख्यमंत्री भी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन ऐसे लोग अभी भी बने हुए हैं जो इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं, जो लगातार इस लूट के खेल में शामिल हैं, क्योंकि मलाई बहुत है इस विभाग में और लगातार लूटा गया इस विभाग को, और वो बदस्तूर अभी भी जारी है। भले ही मंत्रालय बदल गया है, मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए अनुपमा जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके अलावा कई लोगों पर कार्रवाई की, प्रमोशन के घोटाले रहे और भर्ती घोटाले रहे, तमाम पे मुख्यमंत्री और की तरफ से कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस सिस्टम को चला रहे हैं, लगातार बाल विकास मुस्तहार में ये करप्शन का केस चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और एक लंबा सिलसिला है। जैसा कि अवनीश ने बताया कि 42,000 करोड़ तक का, तो ये रकम और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें अंदाजा ही नहीं है कि कितने की लूट हुई है, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल इस विभाग का है। और ये समझने वाली बात है कि सरकार की कार्रवाइयों के बाद भी अगर इस तरह का काम वहां हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये साफ साफ एक संदेश है कि जो सिस्टम है, जो सिंडिकेट है, उसका उसकी जड़ें वहां कितनी मजबूत हैं। जी और इसके अलावा अवनीश, और इस पूरे विषय पर कितनी जड़ें खोदी जा चुकी हैं, क्योंकि जांच प्रक्रिया लगातार चल रही है, और भी कई चेहरे सामने आने की गुंजाइश है क्या? अभी अवनीश आप हैं क्या? जिम्मेदार सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बहुत सा हिस्सा है। अगर आप कहें कि पूरा घोटाला अगर इस पूरे 100% का है, तो इसमें केवल 2-4% की बात, ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए का पूरा घोटाले था, 700 करोड़ रुपए के पंचायती घोटाले का केवल आरोप कई सारे सांसद विधायक से खुद बीजेपी के लगाया था, और उसके बाद इस मामले की जांच जरूर की थी, तो वो जांच की अब तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। उस मामले में बहुत सारी गतिविधियां हैं और बहुत सारी कंपनियां जो कभी स्क्रीनिंग घोटाले में कही, कभी उत्तर प्रदेश में राज के राज्य में बड़ा घोटाला हुआ, उस घोटाले में सफल रूप से कभी जांच नहीं हो पाई, शायद इसका फायदा इन कंपनियों ने उठाया। इसके बाद नए दिशा में, नए रूप में, नए कागज, नए तैयारी के साथ वो कंपनियां फिर से उसी टेंडर प्रक्रिया में आई, बहुत सख्त टेंडर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद बाल विकास पुष्टाहार में लाई गई थी, लेकिन उस नीति को भी अधिकारियों के मिली भगत से इस तंत्र ने कहीं ना कहीं ध्वस्त किया, और बहुत जगहों पर ये काम पाने में अलग अलग नामों से कामयाब है, और बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जिसे जहाँ बालिकाओं के और स्वास्थ्य को लेकर के इस तरह की योजना चलाई जाती है, उन योजनाओं में बहुत संचालित, बहुत जगहों पर अच्छे सहार भी मिले, क्वालिटी के गुणवत्ता वाले सहार की सप्लाई भी गई, और कई जगहों पर समय पर सप्लाई जो है वो नहीं, जिससे भी बहुत सारा कामकाज प्रभावित रहा। जी अच्छा।
अच्छा, क्योंकि ये जो कंपनियां जिनका खुलासा हुआ, इनके बारे में कुछ और डिटेलिंग हो पाई है क्या? कब से इन्हीं कंपनियों को यहां से खरीदारी के लिए तय किया गया था, या सिर्फ यही इकलौती कंपनियां हैं, या फिर और भी ये मुनाफे के हिसाब से कंपनियों को चेंज किया जाता था, क्या कुछ इस तरह के और खुलासे भी हो पाए हैं? ऐसी कई कंपनियां हैं, अलग अलग नाम से वो कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो शुरुआती पिछले एक दशक के करीब के समय में काम करती थी, वो कंपनियां कमों में एक ही तंत्र से चलाई जाती थी, और उन कंपनियों के डायरेक्टर्स, उनके जो अपने पते थे, वो भी लगभग कमों में एक जैसे थे। वो कंपनियां केवल, माना जाता था कि केवल सिंडिकेट को काम मिले और उस तरीके से काम को नियोजित किया जाए, शायद इसलिए इस तरह की कंपनियां बनाई गई थी। फिर उस दौर में बड़े बड़े टेंडर की तेजी टेंडरिंग की प्रक्रिया, कड़े नियम कायदे भी लाए गए सरकारों से पारदर्शिता दिखाने के लिए, तो इन चीजों से बचने के लिए इस तरह की कंपनियों ने एक नया रास्ता निकाला। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और इसमें और थोड़ा सख्ती की गई, तमाम सारे कोर्ट में इस तरह की पीआईएल वगैरह दाखिल हो गई, तो उसके बाद बचने के लिए सरकारों ने थोड़ी पारदर्शी नीति लाने की कोशिश की। लेकिन इन कंपनियों का रसूख इतना ज्यादा था और अधिकारियों पर उतना ज्यादा प्रभाव था, इन्होंने अलग अलग नाम से जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं या जिस तरह की संस्थाएं इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, उन स्पेसिफिकेशन को चेंज करके उन्होंने ये टेंडर फिर से हासिल कर। मतलब इसका आलोक ये हुआ कि एक ही शख्स का लगभग ऐसा भी हुआ होगा कि चार चार कंपनियां या फिर उसने सगे संबंधियों के नाम पे कंपनी खुलवा दी, उसके बाद उनकी कंपनी को इस बार ने तो दूसरी कंपनी को टेंडर दिलवा दिया। कुल मिलाकर जो भी फायदा है वो अपने घर में आना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ ऐसी कंपनियां ही क्यों ना तैयार करनी पड़े स्टैंड बाय पर। कहा ना कि एक पूरा सिस्टम चल रहा है, सिंडिकेट है, जो कई बार ऐसा हुआ कि जो है कंपनियों के नाम पे कुछ उंगलियां उठने लगी, उनका नाम सामने आया तो कंपनियां बदल दी गई। पीछे के लोग वही रहे, वही डायरेक्टर थे, वही मेंबर्स थे, वही बोर्ड मेंबर्स थे, लेकिन कंपनियों का नाम बदल दिया गया। ये सब सिर्फ कागज पे किया गया और घूम फिर कर काम उन्हीं कंपनियों को मिलता था, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत मजबूत था, इनका सिंडिकेट बहुत मजबूत था। टॉप टू बॉटम इनके जो लोग थे, इन्होंने पूरे तंत्र को मिलाया हुआ था, क्योंकि बिना तंत्र के लोगों को शामिल किए आप इस तरह का कोई खेल नहीं खेल सकते हैं। मास लेवल पर, बड़े लेवल पर जहां करप्शन हो रहा हो, जहां बंदरबांट हो रही हो बजट, तो पूरा सिस्टम इनका इतना सेट इन्होंने किया हुआ था सबको मिलाकर कि वो नाम को बदल देते थे, कंपनी के नाम को बदल देते थे, रातों रात नई कंपनियां फॉर्म कर दी जाती थी, और घूम फिर कर जो सिंडिकेट में जो भी कंपनियां थी उसी में से उनको काम मिलता था जिसको ये लोग चाहते थे। इसका मतलब ये भी हुआ कि क्राइटेरिया को भी बिल्कुल किनारे रख दिया गया था, क्योंकि अगर रातों रात कंपनियां तैयार हो भी रही हैं तो फिर इन टेंडर्स के लिए जो भी पैरामीटर सेट किए गए हैं उन रात भर की कंपनियों में वो क्या ही पैरामीटर्स पूरे किए जा रहे होंगे। कुल मिलाकर धांधलेबाजी। बिल्कुल बिल्कुल धांधलेबाजी का ही खेल यहाँ पर किया गया है, पूरी तरह से धांधलेबाजी रही है, तभी इतने बड़े स्तर पर वहाँ लगातार जो है भ्रष्टाचार किया गया, इतने बड़े बजट का को लूटा गया, क्योंकि जिस चीज के लिए योजना बनाई गई थी, जिसके लिए सरकार पैसा दे रही थी, वो काम कितना हो रहा था ये सभी को पता है, और उसके अलावा कितना लूटा जा रहा था ये बाकी सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लूट थी इसी के लिए यहाँ सिंडिकेट बनाया गया, और बाकायदा इतने लोग शामिल होकर के यहाँ काम कर रहे थे, लगातार कंपनियों का नाम चेंज करके तमाम चीजें करके यहाँ पर काम लिया जा रहा था। और कुष्ठहार सप्लाई में क्वालिटी की बात अगर हम करें तो क्वालिटी बहुत ही खराब होती थी, न के बराबर होती थी, उसको जानवर भी नहीं खाना पसंद करते थे, इस तरह का पुष्टाहार सप्लाई किया जाता था। तो ये सब तमाम चीजें रही हैं बाल विकास पुष्टाहार में, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, जिसको लेकर भी की, लेकिन बदस्तूर वहां पर अभी भी भ्रष्टाचार जारी है, और निश्चित रूप से पूरा सिस्टम मिलकर इस काम को अंजाम दे। जी अच्छा अवनीश, क्योंकि ये तो 3 महीने का सिर्फ खुलासा हुआ जिसके अंदर पता लगता है कि लगभग 19 करोड़ रुपए का चूना राजस्व को लगाया गया, लेकिन इस जांच के जरिए अभी तक और कौन कौन सी जड़ों तक पहुंच पाई है जांच की टीम? देखिए बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, ये तो पर्टिकुलर दौर में अधिकारी यहाँ पर तैनात था, और योजना के बंद कर दिया गया था, मौजूद से योजना बंद हो गई थी, चार सप्लाई की कंपनियां कर रही थी, और उस अधिकारी की और उस पूरे फंड की कंपनियों से सावधान, लिहाजा कंपनियों को एडवांस में जो है उस काम का ठेका दे दिया गया, और उनसे सप्लाई ले ली गई। अगर सप्लाई ले ली गई तो बंद योजना होने के बावजूद उसका भुगतान भी कर दिया गया, ये अनियमितता थी जिसके आधार पर ये अधिकारी पकड़ में आए। बाद में जब ईडी की रिपोर्ट आई सामने और उसमें ये सवाल उठाए गए कि टेंडर प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, कैसे चिंता में गड़बड़ियां की गई है, और चूंकि जो लोग समय समय से हम लोग लगातार इन विभागों को, खासतौर पर भ्रष्टाचार के बड़े विभाग जहाँ बड़े सिंडिकेट काम करते हैं, उन लोगों को ट्रैक कर पा रहे लोग हैं, वो ये बात जानते हैं। हम सबको ने देखा है कैसे सरकार रही हो या किसी सरकार रही हो,
कैसे मंत्रियों को विभाग देते समय भी बहुत सारा ये आवली याद है, जैसे शिक्षा मंत्री थे राम गोविंद चौधरी के पास बाल विकास विभाग था, बाद में उनके कार्यकाल विभाग पलट करके मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने साथ संबंध कर लिया था, क्योंकि विभाग के साथ बजट और बड़ा सिंडिकेट जुड़ा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जिसकी वजह से सवाल उठते रहे हैं, और वही बात जब सरकार बदली मुख्यमंत्री बहुत सख्त थे, उन्होंने लगातार चूंकि उनके निशाने पर इस तरह के विभाग थे, इस तरह के मामलिया थे, लगातार कार्रवाई करते रहे, लेकिन किसी नीचे काम कर रहा जो तंत्र है वो जमीन पर योजना को उतारता है, उस योजना को जमीन पर उतारने वाले जो अधिकारी हैं वो इतने लापरवाह हैं, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि शायद उनको समझ में नहीं आती बात। और यही वजह है कि जब नई प्रमुख सचिव आई है, उन्होंने अपना तेवर दिखाया, उन्होंने फाइनेंस तलब की, सब जाकर के सारी चीजें सामने आई, उन्होंने पूरे मामले से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया, तत्काल फाइल जो है वो अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आगे भेजी गई। ऐसे बहुत सारे सिलसिले विभाग में और जुड़े हुए हैं, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विभाग के अंदर घोटालों को लेकर कुछ और कार्रवाइयां सामने होंगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।